आप अपनी अकड़ता दिखाओ तो ऐसे शासन कैसे स्वीकार करेगा। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून के अंतर्गत जो सजा हुई है या उनकी सदस्यता गई है ये कानून की बात है, इसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक राहुल गांधी की सजा का प्रावधान है तो सजा तो लीगल है, उसमें अनलीगल नहीं है। जुडिशरी के अंतर्गत तो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता, जो न्यायालय उसको पनिश दी है वो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। लेकिन देश में करीब 12 लोगों की लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की सदस्यताएं अपराधों की श्रेणी में आने के बाद, अपराध होने के बाद जो है तो मुक्त किए गए। लेकिन कानून के अंतर्गत जैसे ही इस प्रकार के कोर्ट के आदेश आते हैं उसके तुरंत बाद उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। कुलदीप सेगर, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हम बात करते हैं। 5 अक्टूबर को करीब फैसला आया था और 11 फरवरी को इनकी विधानसभा सदस्यता कैंसिल कर की गई थी। 2 महीने से लंबा समय लगा था। लालू प्रसाद यादव के केस में भी करीब 5-7 दिन के बाद ही, अलग अलग राजनीतिक महत्व रहते होंगे, पर उन्होंने अपनी हठधर्मिता को अपनाया, अपने आप को फेमस होने के लिए किया, तो हठधर्मिता जो है वो इनको ले डूबी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम जबलपुर में और देश भर में बीते दिनों राजनीतिक गलियारे गर्म हैं। बात राहुल गांधी की सदस्यता भंग होने की है, जिसके बाद विपक्ष लगातार जो तो सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। वही पक्ष के द्वारा भी आगामी कर्नाटक चुनाव एवं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के भी 9 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जिस टीम के द्वारा राहुल गांधी की असफलताओं को, उनके व्यवहार को हर लोकसभा सीट तक पहुंचाने की कार्य योजना बनाई गई है। जबलपुर के लोग इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं और मौजूदा देश में लोकतंत्र के हालात को लेकर के क्या सोचते हैं, हम इस विषय की चर्चा करेंगे। क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा हो रही है कि यह दौर अघोषित आपातकाल की तरह है। कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद 1975 का आपातकाल भी देखा होगा, इंदिरा जी का दौर भी देखा होगा और वर्तमान दौर भी देख रहे हैं, तो तुलनात्मक तौर पर क्या भिन्नताएं हैं, तुलनात्मक तौर पर क्या समानताएं हैं, आइए इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर। और जो राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त हुई है तो इसे लोकतंत्रात्मक तौर पर किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून के अंतर्गत जो सजा हुई है या उनकी सदस्यता गई है ये कानून की बात है, इसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कानूनन उनको आगे की जो श्रेणी है अपील करना चाहिए, लेकिन उनने ये काम ना करके राजनीतिक रूप से सरकार के ऊपर दबाव डालना और पब्लिक के बीच में जा कर के अपनी बात कहना, ये सब जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। आप क्या मानते हैं? ये सब कानूनी प्रक्रिया है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है। आपका क्या मान? अपना वही ये सब यह राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, ये कानूनी प्रतिक्रिया है। और कानूनी प्रतिक्रिया होने के कारण उन्होंने ऑफर भी तो किया कि आप इसके लिए अपील कर सकते हैं, अगर आपको संशोधन करना है तो आप उच्च श्रेणी के मतलब सुप्रीम कोर्ट अथवा अन्य में जाकर अपना आवेदन देकर अपने विषय को सामने रख सकते हैं। जैसे आप लोग जो ये बात कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन देश में करीब 12 लोगों की लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की सदस्यताएं अपराधों की श्रेणी में आने के बाद, अपराध होने के बाद जो है तो मुक्त किए गए। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिनको 1 महीने के बाद मुक्त किया गया, किसी को 2 महीने बाद मुक्त किया गया। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा है कि महज 24 घंटे के अंदर सदस्यता को सचिवालय के द्वारा नोटिफाइड कर दिया कि आपकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। और दूसरी चीज़ रही मामले की बात, तो मानहानि का मुकदमा है और 2 वर्ष की जो सज़ा हुई है वो अधिकतम सज़ा होती है और ये जिला कोर्ट के द्वारा दिया गया है। जिला कोर्ट ने 30 दिन की अवधि भी राहुल गांधी को दी है कि आप उच्च अदालतों में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दबाजी संसदीय सचिवालय के द्वारा की गई? नहीं, जल्दबाजी का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कानून जो बना है, कानून के अंतर्गत जैसे ही इस प्रकार के कोर्ट के आदेश आते हैं
उसके तुरंत बाद उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। कुलदीप सेगर, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हम बात करते हैं। 5 अक्टूबर को करीब फैसला आया था और 11 फरवरी को इनकी विधानसभा सदस्यता कैंसिल कर की गई थी। 2 महीने से लंबा समय लगा था। लालू प्रसाद यादव के केस में भी करीब 5-7 दिन के बाद पूरे अलग अलग राजनीतिक महत्व रहते होंगे, इसके विषय में हम नहीं बोल सकते कुछ। कुछ भी होती इधर के है तो शासन भी ये होता है और प्रशासन भी जो है उसके ऊपर चिंतन करता है कि एक तरफ आपको क्षमा याचना के लिए आवेदन किया जाए और वो इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा, और आप अपनी अकड़ता दिखाओ तो ऐसे शासन कैसे स्वीकार करेगा। 2 दिन के अंदर फिर बगला खाली करने का भी फरमान जारी हो गया। किया गया कि उनकी अकड़ता के कारण, अगर यही चीज क्षमा याचना के लिए आवेदन किया जाता तो शायद शासन या प्रशासन या अन्य प्रकार की सरकार वो इसके ऊपर सोचती विचार करती, पर उन्होंने अपनी हठधर्मिता को अपनाया, अपने आप को फेमस होने के लिए किया, तो हठधर्मिता जो है वो इनको ले डूबी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को? मैं निश्चित रूप से एक अधिवक्ता हूं और कानूनी प्रक्रिया को समझता हूं। जहां तक राहुल गांधी की सजा का प्रावधान है तो सजा तो लीगल है, उसमें अनलीगल नहीं है, पर जो सजा दी गई है जिस वक्तव्य को, वो आर्टिकल 19 के तहत उसका उल्लंघन नहीं होता है। उन्होंने मोदी, नीरव मोदी नाम लेके बोला है, ये सब ही होते हैं ऐसे बोला है, नीरव मोदी और ललित मोदी, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कोई वो नहीं था। और उसी पिटीशन को एक बार विड्रा कर ली गई उन्हीं के द्वारा, दोबारा जब अवसर देखा गया तो फिर स्टैंड की गई, और जुडिशरी के अंतर्गत तो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता, जो न्यायालय उसको पनिश दी है वो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। ये MP MLA कोर्ट से रिलेट करेगा? हाँ, MP MLA कोर्ट से रिलेट नहीं करेगा, वो जहाँ उन्होंने जो 19 के भाषण में दिया था उस नाटका के, ये कोलार का भाषण था, और जो केस दर्ज हुआ था वो सूरत में किया गया था और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ही धारा 499-500 के तहत जो है तो 2 वर्ष की सजा का ऐलान किया। हाँ, तो वो जो सजा का ऐलान किया गया उसमें सजा में प्रावधान है कि जो उनकी सजा है उसमें 1 माह के लिए जो है तो उसको अभी सस्पेंड रखा हुआ है, तो सदस्यता खत्म करने की कोई औचित्य ही नहीं है, बिल्कुल निहायत संवैधानिक का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। और नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से बढ़ते हुए कदम को उनके रोकने के लिए प्रयास है, और निश्चित तौर पर ये सरकार जो है अपने विपक्ष को सुनना नहीं चाहती। माननीय अटल बिहारी जी थे तो अपने विपक्ष को गले से लगाते थे, और ये जो सरकार है ये आँख बंधे बिल्कुल मूंद करके काम करती है, न्यायपालिका को तो कुछ समझती नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस सरकार से परेशान हैं, और एक क्रम से चला हुआ है न्यायपालिका के ऊपर होकर के, जो बुलडोजर गिराओ, किसी का घर गिरा दो, किसी का कोई अपराधी है तो उसका घर गिरा दो, तो ये अपनी हठधर्मिता है जिसको अपन कहते हैं सत्ता का मद, सत्ता के मद में ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी बंगला भी खाली कराने का आदेश हो गया है, तो खाली कर दिया। वो उनकी लोकप्रियता है, उनकी समझदारी है, वो हाँ वो सब कर देंगे, क्योंकि उनके पास जो सब कुछ इस देश को देने वाला है, राहुल नेहरू गांधी का परिवार इस देश को सब कुछ दिया, उसके लिए बंगले की क्या आवश्यकता है, जेट प्लस की क्या आवश्यकता है, जिस के पिता दादा परदादा सभी लोग इस देश के लिए कुर्बान हो गए, वो तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि तो वो तो जेल जाने को भी तैयार है, क्योंकि जो सजा सस्पेंड है वो उसमें अपील भी नहीं करने वाले, क्योंकि मोदी को जो लग रहा था, जो दाव उन्होंने खेला था कि हमको राहुल को परेशान करेंगे, तो ये खुद अपने उस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चय ही, अब दिल्ली में आज पोस्टर लगे हुए हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्यवाही, करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी हाथरस कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वहाँ पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिए थे, तो ये जो स्वतंत्र आपका चौथा स्तंभ होता है इसको भी स्वतंत्र नहीं रहने देना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से जो केंद्र की सरकार है वो भारतीय संविधान का खुली तरह से उल्लंघन कर रही है। उल्लंघन संविधान का उल्लंघन कैसे हुए? धारा 100 जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, धारा 155 और 8(1) के तहत
ये कार्रवाई हुई है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि पर 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसकी संसदीय सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता स्वयं ही रद्द कर दी जाएगी। तो ये लोकतंत्रात्मक तौर पर संविधान का तो पूर्णतः उल्लंघन नहीं हुआ। हाँ, 30 दिन की जो रियायत थी उस रियायत को दिया जा सकता था, लेकिन अगर नहीं दिया तो उल्लंघन कैसा? यही उल्लंघन है। उसमें कोर्ट आर्डर में साफ साफ लिखा 30 दिन तक के लिए सस्पेंड रहेगी, 30 तक के लिए वो मतलब सजा नहीं मानी जाएगी। सस्पेंड का मतलब होता है 30 दिन के लिए इनको जमानत दी गई है, सजा नहीं मानी जाएगा ऐसा प्रावधान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये 30 दिन का नियम इसलिए बनाया गया है ताकि आप ऊपरी अदालतों पर जा करके अपील कर सके, और इसलिए उनको 30 दिन के लिए जमानत दी गई। हाँ, तो वही तो, जब तक उनको जमानत दी गई है तब तक उनकी सदस्यता रद्द होने का सवाल ही नहीं। 6 माह का प्रावधान है, आपको 6 माह तक कार्यवाही नोटिस देना चाहिए। कार्यवाही यदि नोटिस का वो नहीं हो रहा, रिप्लाई नहीं दे रहे, तो तब फिर ये प्रावधान बनता है। और अभी कितने सांसद हैं, ऐसे कितने अमले हैं जिनके सजा पड़ने के बाद अपील किए हुए हैं, उनकी सदस्यता नहीं रद्द की गई। अन्य भी सांसद हैं, अभी कितने सांसद हैं इस बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं। ये जानकारी जरूर है कि करीब 12 लोगों की सदस्यताएं पिछले 2-3 वर्षों के दौरान जा चुकी हैं, पर इतना जल्दी नहीं गई। 6 माह का समय लगता है जो नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं थोड़ा सा। ये 1 माह, 2 माह, 5 दिन, 8 दिन, 12 दिन ऐसी सजा ऐसा नहीं है। सरकार के अपील करने का प्रावधान है, अपील का 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन का प्रावधान होता है, तो उस प्रावधान के तहत ही अपील होती है। तो 30 दिन में यदि अपील करते तो ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट में करते 90 दिन लगता है। ऐसे मिला के 6 माह की प्रोसीडिंग जो सचिवालय में होता है सस्पेंड करने की, उसको नोटिस जारी होता है, नोटिस की रिप्लाई होती है, उसके बाद ही सस्पेंड होते हैं। ऐसा नहीं कि आज सजा पड़ी और कल आप सस्पेंड कर दो।